डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स में विद्युत प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें टोटल 6 परिपथ थे, केवल प्रतिरोध युक्त, केवल संधारित्र युक्त, केवल प्रेरकत्व युक्त और फिर LR परिपथ, CR परिपथ और LCR परिपथ। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 परिपथ के बारे में पढ़ा, केवल प्रतिरोध युक्त, केवल संधारित्र युक्त और केवल प्रेरकत्व युक्त वाले जो परिपथ होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो टॉपिक लिया जाए प्रत्यावर्ती धारा का LR परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा का LR परिपथ, इसका मतलब आप समझिए कि यहां पे हम लोग जो टॉपिक्स दे रहे हैं, इस परिपथ में किसका किसका वैल्यू यूज होने वाला है, L और R का वैल्यू, और L का मतलब प्रेरकत्व और R का मतलब प्रतिरोध। यानी कि ऐसे परिपथ जिसमें दो चीजें जुड़ा हुआ हो, यानी कि प्रेरकत्व भी जुड़ा रहे और प्रतिरोध भी जुड़ा रहे, तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशंस को बोलते हैं LR परिपथ। किसका, तो प्रत्यावर्ती धारा का। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का LR परिपथ का मतलब हुआ कि उस परिपथ में प्रेरकत्व भी जुड़ा है और प्रतिरोध भी जुड़ा है। तो इसी बात को हम लोग पहले फर्स्ट एरो में लिख लेते हैं, फिर हम लोग फिगर बनाएंगे, फिर चीजों को समझेंगे। तो फर्स्ट एरो देखकर लिखा जाए, माना कि प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L, प्रेरकत्व L श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से में जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़ा हुआ है, जिनके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल ई नोट साइन ओमेगा टी लिखना है ना, ई नोट साइन ओमेगा टी का स्रोत लगाया गया है। चलिए, तो हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसका नाम है LR परिपथ, इसका जरा फिगर बना है, तो हम लोग लिखे हुए हैं कि इस परिपथ में L भी जुड़ रहा है और R भी जुड़ रहा है, मतलब कि ऐसे ये हो गया L, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो यहां से परिपथ प्रतिरोध जुड़ रहा है, तो ये हो गया हम लोगों का R, ठीक है। अगर हम लोग इसके बीच का कालांतर का बात करें, कालांतर का मतलब ये प्रेरकत्व है, तो यहां से यहां तक का जो मान होगा वो विभव चेंज होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा VL। उसी तरीके से R के वजह से यहां का विभव जो होगा वो VR होगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का यहां
एल और आर प्रतिरोध, एल और आर इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कि एक वायर के आगे पीछे जुड़ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल का स्रोत जुड़ा हुआ है, जिसको विद्युत वाहक बल का स्रोत बोल रहे हैं। इसका वैल्यू तो जान ही रहे हम लोग कितना होता है, इनोट साइन इज इक्वल टू इनोट साइन ओमेगा टी। अच्छा ये तो हुआ, और ये जो वीएल और वीआर है, ये जो वीएल और वीआर है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो हमेशा दोनों परपेंडिकुलर नजर आता है, यानी कि एक तरफ वीएल तो एक तरफ वीआर, और इसके जो बीच में चेंज होता है वो डन थीटा एंगल पे लगभग। यानी कि हम यहां कहना चाह रहे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा कि वीएल और वीआर का जो वैल्यू है वो क्या है, तो एक तरीके का परपेंडिकुलर वेक्टर के फॉर्म में है, एक तरफ वीएल तो दूसरे तरफ वीआर। ठीक है, अब वीएल और वीआर यही दोनों क्रिएट करता है क्या, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। तो यहां से जब मान लिया जाए कि अगर ग्राफिकल ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा और हम लोगों का विद्युत वाहक बल बिल्कुल एक त्रिभुज में कर्ण के जैसा होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक किसी भी त्रिभुज में, यहां चूंकि 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री पे दोनों मूव करता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कुछ इस तरीके से किया जाता है, और इसीलिए हम लोग यहां पे अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं कि ई इज इक्वल टू, सॉरी मिटाने वाले हैं ऊपर से, तो इन चीजों को आप उसके नीचे लिख लीजिएगा। चूंकि यहां से पता चल रहा है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ईएमएफ का स्क्वायर विद्युत वाहक बल का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वीआर का स्क्वायर वीएल का स्क्वायर। ठीक है, उसके नीचे मिटाते हैं, तो यहां से अब जो वीएल मिल रहा है तो वीएल का मतलब क्या, प्रकत्व के वजह से विभव भी, और वीआर का मतलब क्या, तो प्रतिरोध के वजह से विभव। ठीक है, अब यहां पे हम लोग पढ़े हैं कि ओम के नियम से क्या फार्मूला होता है, जरा देखिए ओम के नियम से क्या फार्मूला पढ़े, तो भी बराबर आई इंटू आर, ये ना पढ़े, ये ओम के नियम से हमें फार्मूला मिल चुका होता है भी बराबर आई इंटू आर। अब चूंकि भी बराबर आई इंटू आर है तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ई एम एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर है, मतलब कि प्रतिरोध के वजह से विभवांतर, तो प्रतिरोध के वजह से विभवांतर तो हम लोगों को आई आर ही मिलने वाला है, इसका स्क्वायर प्लस ये प्रकत्व के वजह से है, और प्रकत्व के वजह से उसको हम लोग एक्स एल से सूचित करते हैं, पता है ना, आई इंटू इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है प्रकत्व के वजह से वो होता है एक्स एल, उसका स्क्वायर करेंगे। यानी कि जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि भी बराबर आई आर का फार्मूला होता है, वैसे ही प्रकत्व जब जुड़ता है तो आई तो रहेगा ही, ये एक प्रतिरोध का काम करता है जिसको एक्स एल बोलते हैं, यानी कि प्रकत्व के वजह से प्रतिरोध। और हम लोग पीछे बहुत पहले पढ़े कि प्रत्यावर्ती धारा को अगर कंट्रोल करना होगा, कम करना होगा, तो प्रकत्व का इस्तेमाल करते हैं, तो कम करने का मतलब एक प्रतिरोध जैसा काम करता है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी भी वायर में प्रवाहित धारा के वैल्यू को रोकना, राइट, उसकी क्षमता को कम कर देना। तो यहां हो गया आई एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए चीजों को समझिए, तो कितना बन रहा है, ई का स्क्वायर आई आर स्क्वायर का मतलब हुआ आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का होल स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ आई का स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है,
और जब हम यहां से e स्क्वायर इजल टू आई स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो आई स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बन रहा होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जब यहां से हम लोग धारा का मान निकालना चाहें तो ये जो गुना में है कहां चला जाएगा, भागा में। इट मींस ऐसे e का स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है। अब हम लोग यहां से अगर आई का वैल्यू अगर निकालना चाहें, आई का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, जरा देखिए। इसलिए इसके नीचे लिखते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखेगा, इधर आई स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि इधर पूरा चढ़ गया रूट, कितना, तो ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसलिए यहां से पता चल रहा है आई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ई स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा, तो यहां बन जाएगा ई बट्टा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। दोस्तों यही चीजें प्रूफ होता है किसके लिए, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल भी जुड़ा हो और आर भी जुड़ा हो। तो एल का जो है ये एक्स एल का मतलब प्रेरकत्व का, यानी कि कितना हेनरी है, ठीक है, उसका वैल्यू, और कितना ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे, जितना ईएमएफ है उससे डिवाइड करेंगे, उतना धारा प्रवाहित होगा उस सर्किट में। किस सर्किट में, जिस सर्किट में एल आर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आर का मतलब दो ओम, चार ओम, पांच ओम, एक्सएल का मतलब, एक्सएल का मतलब हेनरी, पता है ना, प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक, तो उसका वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल मिलाकर एल आर परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होगा, तो ई बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। जरा ओम के नियम से आप समझते हैं कि भी बराबर आई आर होता है, यहां से आई का वैल्यू कितना होता है, भी बटा आर, तो जो नीचे होता है एक तरह का प्रतिरोध के रूप में होता है ना, लेकिन यहां इसको प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, इसको प्रतिबाधा बोला जाता है। यहां यहां रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को प्रतिबाधा कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है, ठीक है। यहां पे इसको प्रतिबाधा कहते हैं, और इस प्रतिबाधा को हम लोग ना जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे जो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रतिबाधा कहा जाता है। जैसे कि आई बराबर भी बटा आर एक तरह का नीचे प्रतिरोध होता है वहां पे, उसी तरीके से यहां पे भी क्या होता है, प्रतिरोध नहीं बोल सकते, इस पूरा को प्रतिबाधा बोला जाता है। और एक एरो लिख लीजिएगा छोटा सा, प्रतिबाधा को कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है, प्रतिबाधा को कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को एल आर परिपथ में कुछ इस तरीके का फार्मूला बना जो कि आपको याद रखने का जरूरत है, कौन सा, अतः आर बराबर ई बाई जेड, ठीक है, जहां जेड का मतलब क्या, प्रतिबाधा है, इसको हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं, जैसे कि वहां प्रतिरोध होता है ना, तो यहां पे प्रतिबाधा, जहां जेड का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो अगर सवाल ये बोलेगा कि किसी एलआर परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, 15 ओम का क्या जुड़ा हुआ है, प्रेरकत्व, 15 हेनरी का प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, तो और उसमें 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है, तो उसमें कितना धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस के रूप में हम लोग इसको कर ही लेते हैं। लिखा जाए क्वेश्चंस,
किसी एलआर परिपथ में, किसी एलआर परिपथ में, किसी एलआर परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 8 ओम का प्रतिरोध तथा 10 हेनरी का प्रेरकत्व, 10 हेनरी का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में परिपथ में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में परिपथ में जुड़े हुए हैं। यदि इस परिपथ में, यदि इस परिपथ में 25 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, 25 वोल्ट का एक विद्युत वाहक बल का स्रोत जोड़ा जाए तो, स्रोत जोड़ा जाए तो इस परिपथ में, इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होगा, इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होगा। देखिए सवाल में हम क्या बोले कि एलआर परिपथ है, तो जब एलआर परिपथ है तो सवाल में क्या क्या दिया है, चूंकि सॉल्यूशन जब कीजिएगा लिखिएगा कि दिया है, क्या दिया है तो एलआर परिपथ। अब एलआर परिपथ में हम लोगों को सवाल बोला कि आर बराबर 8 ओम है और XL, XL का मतलब प्रेरकत्व 10 हेनरी का है और उसमें जो विद्युत वाहक बल का स्रोत जुड़ा हुआ है E वो 25 वोल्ट का है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें पूछ रहा है कि उसमें करंट कितना जाएगा, कितना करंट प्रवाहित होगा, तो आप इसका खुद से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं कि कितना करंट पास करेगा, ठीक है। इसका लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 एम्पियर, मिला लीजिएगा आंसर कितना आएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। ये एलआर परिपथ था ना, अब हम लोग सीखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का सीआर परिपथ। अब इसके जैसा ही सेम है, वो भी, वो अलग है नहीं, यानी कि सेम इसी के जैसा है। चलिए उसको भी हम लोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का सी आर परिपथ, यानी कि इस परिपथ में पता है क्या जुड़ रहा होगा, सी का मतलब होता है संधारित्र और आर का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें हम लोगों को संधारित्र जुड़ा हुआ रहेगा, प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा, इसी को बोलते हैं सी आर परिपथ। क्या बोलते हैं इसको, सी आर परिपथ, जिसमें संधारित्र जुड़ा हुआ रहे, जिसमें प्रतिरोध जुड़ा रहे, उसको बोलते हैं सी आर परिपथ। अब इसमें भी हम लोगों को सेम कंडीशन करना है एलआर परिपथ के जैसा, तो चलिए सबसे पहले इसके नीचे कुछ बात लिख दिया जाए। फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे सीआर परिपथ में माना कि प्रतिरोध आर तथा, माना कि प्रतिरोध आर तथा, आर तथा संधारित्र सी, संधारित्र कैपिटल सी, संधारित्र कैपिटल सी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में एसी परिपथ में, एसी परिपथ में जुड़ा हुआ है, एसी परिपथ में जुड़ा हुआ है कॉमा,
इस परिपथ में विद्युत वाहक बल का स्रोत ई नॉट साइन ओमेगा टी भी जुड़ा हुआ है, यानी कि विद्युत वाहक बल का स्रोत जो है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो भी जुड़ा हुआ है इसी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का सीआर परिपथ, यानी कि हम यहाँ पे लिखे कि एक परिपथ में सी को जोड़ा जाता है, सी का मतलब संधारित्र, ये सी है और इसी में जोड़ा गया प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर, कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब इसमें एक विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग इससे सूचित करते हैं, ये विद्युत वाहक बल है, इसको वैल्यू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सी का मतलब क्या, संधारित्र, अब संधारित्र यहां से लेकर यहां तक इसका वैल्यू होगा वी सी, और यहां से यहां ओम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा वी आर, ठीक है, जैसे अभी हम लोग वैसे ही किया। अब जरा इसका भी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो सेम वैसा ही मिलता है, एक तरफ वी सी एक तरफ वी आर, आप किधर भी लिख लीजिए दोनों तो परपेंडिकुलर है। अगर इसका भी अगर एंगल सपोज थीटा हो तो इस पे जितना ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल होगा, यहां से भी लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। और अगर हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, अब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर की जगह पे अगर हम लोग यहां पे फार्मूला लगाएं तो वी आर, वी आर का मतलब आर की वजह से विभव या विभवांतर, तो वी बराबर आई आर फार्मूला जानते हैं, तो यहां हम लोग आई आर पुट करेंगे उसका स्क्वायर प्लस वहां भी एल था, यानी कि एल का मतलब प्रेरकत्व के वजह से कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा था, यहां पे संधारित्र के वजह से कितना प्रतिरोध, तो यहां आई आर है यानी कि आर बने प्रतिरोध, यहां पे प्रतिरोध एक्स सी लिया जाता है, एक्स सी यानी कि जैसे वहां एक्स एल ले रहे थे ना प्रतिरोध के रूप में प्रेरकत्व के लिए, इसीलिए संधारित्र सी के लिए प्रतिरोध के रूप में एक्स सी यूज किया गया है। अब जरा हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां होगा आई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, आई का स्क्वायर इंटू एक्स सी का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इधर आई स्क्वायर का ये चीजें गुना में है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर बराबर कितना आई स्क्वायर, जिधर से आई स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर कितना आएगा, रूट में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि रूट अंडर कितना होगा, ई का स्क्वायर बट्टा आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी कि यहां आर स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट चढ़ेगा, इसलिए यहां से पता चल रहा है आपको कि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा तो यहां बचेगा ई बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई, यानी कि ये रूट में हो जाएगा, देख पा रहे होंगे ये रूट तो नीचे रहेगा ही रहेगा, और यहां पे यही फार्मूला आ जाता है, इसलिए आई बराबर ई बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। दोस्तों यही आता है हम लोगों के लिए सीआर परिपथ के लिए करंट का वैल्यू, ठीक है।
तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में बिल्कुल ही चेंज नहीं है, अगर आप एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे वहां एलआर का परिपथ का बाधा हो रहा था नीचे वाला, यहां भी सीआर परिपथ का बाधा है आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों का सेम ही कंडीशन आता है, एलआर परिपथ रहे या फिर सीआर परिपथ रहे। तो ये सीआर परिपथ के लिए हम लोगों का फार्मूला यानी कि व्यंजक है। अगर हम यहां पे लिख सकते हैं तो ये भी लिखेंगे कि यहां नीचे वाला को प्रतिबाधा बोला जाता है, लेकिन ये प्रतिबाधा किसके लिए काम करेगा, सीआर परिपथ के लिए, क्योंकि यहां पे सी यूज किया गया है, ठीक है। इस प्रतिबाधा को भी हम लोग जेड से सूचित कर सकते हैं और करते भी हैं। तो आई बराबर ई बाई जेड इसके लिए भी फार्मूला होगा, लेकिन ध्यान रहे एलआर और सीआर के लिए एक अंतर है, यहां एक्स एल लग जाता है एलआर में और सीआर में यहां एक्स सी लग जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस किए, वो कौन कौन सा टॉपिक्स था, तो एक टॉपिक था हम लोग का एलआर सर्किट के लिए, एलआर परिपथ के लिए कितना होगा हम लोगों के लिए विद्युत धारा उस परिपथ में कितना होगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग यहां से लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखा जाए, किसी सी आर परिपथ में, किसी सी आर परिपथ में, किसी सी आर परिपथ में बारह ओम का प्रतिरोध तथा 12 ओम का प्रतिरोध तथा 12 ओम का प्रतिरोध तथा 5 फैराड का संधारित्र, 5 फैराड का संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इस सीआर परिपथ में, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि 2.6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, 2.6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है। चलिए तो आपको जो है ये क्वेश्चंस जो भी हम लिखवाए हैं, एक सीआर परिपथ के लिए यूज करना है जिसमें R का वैल्यू दिया है, XC का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो न्यूमेरिकल्स है ये CR परिपथ के लिए यूज करना है, क्योंकि C संधारित्र दिया है और संधारित्र का ऐसा मात्रक फैराड होता है, वो XC का वैल्यू दे दिया, R का वैल्यू दे दिया और उसमें जो यूज किया गया है विद्युत वाहक बल वो 2.6 वोल्ट का यूज किया गया है, तो उससे आप आई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये दो परिपथ के लिए काम खत्म हो गया है, एक एलआर परिपथ और दूसरा सीआर परिपथ। अब जब भी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक टॉपिक्स बचा हुआ है एलसीआर परिपथ प्रत्यावर्ती धारा का, उसमें तीनों जो जुड़ेंगे, एल भी जोड़ेंगे, सी भी जोड़ेंगे और आर भी जोड़ेंगे, मतलब प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध, तीनों चीज जोड़कर हम कुछ ना कुछ डिराइव करेंगे फार्मूला। तो आज के क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।